सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड वुमेन्स की बन गई बात और पाकिस्तान ने नहीं दिया टीम इंडिया का साथ। जी हाँ, 54 रनों से करारी हार पाकिस्तान की, और इस हार के साथ वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। और वो तो क्या बाहर हुई, वो डायलॉग है ना, हम तो डूबे जन्म आपको भी ले डूबे, और इसके साथ ही साथ टीम इंडिया ही बाहर हो गई। और भारतीय टीम का तो ये था कि भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हारा था इंडिया 9 रनों से, उसके बाद एक कहते ना डूबते को तिनके का सहारा, ये सहारा था कि यार पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देगा। लेकिन पाकिस्तान तो इस तरीके से हारा भाई, इसकी तो कल्पना भी नहीं की होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब ये मैच स्टार्ट हुआ था 110 बनाए थे न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए, हमें लगा था कि यार न्यूजीलैंड को रोक लिया हमने, सोफी डिवान को बड़ी जल्दी आउट कर दिया था। और न्यूजीलैंड जब 110 रन बनाया था एक 6 विकेट के नुकसान पर, 111 का तो टारगेट था, हमें लगा था बड़ी आसानी के साथ चेज हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इतनी जल्दी थी, क्योंकि वैसे तो मजबूरी थी पाकिस्तान की भी, पाकिस्तान भी तभी जा सकता ना, तब वो तेज़ खेलेगा। पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम तेज़ खेलते हैं, लेकिन जैसे ही तेज खेले विकेट गिरने स्टार्ट हो गए भाई, 7 पर 1 आउट हो गया। और उसके बाद तो फिर लाइन लग गई, 19 पे 2, 23 पे 2, 24 पे 2, 25 पे 3, ऐसे करते करते 29 पे 5 हो गया, मतलब 30 रन नहीं बने थे और 5 आउट हो चुके थे। उसके बाद हाँ, एक पार्टनरशिप जरूर हुई, फातिमा सना जो उनकी कैप्टन है और उनकी जो विकेट कीपर है मुनीबा अली, उन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई। लेकिन वो पार्टनरशिप कुछ देर तक चली, उसके बाद वो कहते हैं ना एक एक्साइटमेंट था वो कि यार हो सकता है मैच बन जाए, बट ये मैच बना नहीं। और धीरे धीरे फिर वही कोलैप्स आया और फातिमा सना एक एंड पर खड़ी रही, दूसरे एंड पर विकेट गिरते रहे, और कुल मिलाकर 56 रनों पर 56 रनों पर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई। नतीजा ये हुआ 54 रनों से आसानी के साथ यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने मैच जीत लिया, और न्यूजीलैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम ग्रुप ए से भाई सेमीफाइनल में चली गई। लेकिन भारत का क्या होगा भाई, भारतीय टीम ने मिस्टेक्स किए, क्योंकि वो जो मैच जीता था आपने बिल्कुल लास्ट में आके जीता था, वहाँ पर भारतीय टीम को पाकिस्तान के अगेंस्ट ही तो वो मुकाबला था, जहाँ पर आपको जीतना चाहिए था, बड़ी जल्दी जीतना चाहिए था, लेकिन आपने 19वें ओवर तक शायद वो मैच आपने जीता, अगर वहाँ पर आप तेज़ खेलते वो मैच जीत जाते। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ, अगर हरमनप्रीत कौर जहां उन्होंने 47-54 बनाए, अगर वो 40 में 54 बना देती तो शायद हो सकता है इंडिया जीत जाता हो मैच भाई। स्मृति मंधाना नहीं चली इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था, अगर वहां पर ये दोनों चल जाते तो इतनी यहां तक नौबत ही नहीं आती और इंडिया आराम से चला भी जाता। बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये आया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी शानदार खेल दिखाया और इसलिए लगातार 4 मैच जीते और बड़ी शान के साथ वो सेमीफाइनल में गए। और उसके जो नंबर 2 की टीम थी वो थी न्यूजीलैंड की टीम, भाई न्यूजीलैंड डिजर्व करता था। लेकिन एक चीज़ बताऊं दोस्तों आपको, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी भाई, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जिसने भारत को हराया, चाहे न्यूजीलैंड हो जिसने पाकिस्तान को हराया, भाई दोनों टीमों की ना मुझे ग्राउंड फील्डिंग बड़ी अच्छी लगी। जब नॉकआउट्स गेम आते हैं, जब इंपॉर्टेंट गेम होते हैं, तो पता नहीं उनको यार कि उनके है वो चीज़, वो स्पार्क दिखता है बड़ी टीमों में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो न्यूजीलैंड हो, पर उनकी ग्राउंड फील्डिंग अगर आज भी देखेंगे ना, उन्होंने पाकिस्तान के कितने बल्लेबाजों को रन आउट किया, आज भी कहते ना पलक झपकते ही उन्होंने रन आउट कर दिया। भारत के साथ भी क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने 3 रन आउट किए थे कल। सो आई थिंक भाई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वो है चीज़, वो एज यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाती हैं टीमें, इसलिए वो जीत कर जाती हैं। जहाँ तक इस मैच की बात है, यहाँ पर न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीता और उसके बाद बैटिंग करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड वुमेन्स ने 110 रन बनाए और सोफी डिवाइन बड़ी जल्दी आउट हो गई थी आज, 19 बनाए 25 गेंदों पर। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के लिए एक चीज़ अच्छी रही कि उनकी जो गेंदबाज हैं यहाँ पर नशारा संधू, उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटके। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए, वैसे ना की जाए तो अच्छा है, क्योंकि भाई मुनीबा अली 15 बनाए 11 बॉल्स में। इसके अलावा आलिया रियाज जिन्होंने खाता ही नहीं खोला आज, और फातिमा सना जो कैप्टन 21 बनाए 23 बॉल्स में, 2 चौके उन्होंने लगाए, और उसके बाद तो भाई आया राम गया राम वाली इनकी कहानी रही। यानी कि 2 बल्लेबाज, एक तो यहाँ पर उनकी कैप्टन फातिमा सना और जो दूसरी जो उनकी विकेटकीपर थी मुनीबा अली, उन दोनों को छोड़ दें तो कोई बल्लेबाज डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचा। और यही हाल रहा, 56 बनाकर ऑल आउट की टीम हो गई और ये मुकाबला हार गई। हम भी हारे, भारत को भी हराया और टूर्नामेंट से दोनों टीमें बाहर हो गई। खैर, इस मैच रिपोर्ट को लेकर और इंडिया वर्स का जो सफ़र था, हालांकि नो डाउट इंडिया ने अच्छे मैचेस जीते भी हैं भाई, हमने 2 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे भी हैं। लेकिन अब आप वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को क्या लगता है यार, कौन सी टीम लेकर जाएगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।